दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल के LD क्लासेस में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 GK GS के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो लगभग ग्रुप डी, रेलवे, NTPC, लेखपाल, जेल वार्डन और फायरमैन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है दोस्तों? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो ये है हमारा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल और नौका पर्व किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों? पोंगल और नौका पर्व किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों? ये है हमारा तमिलनाडु राज्य का। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और गोवा का दोस्तों, गोवा का हमने बताया था दोस्तों, गोवा मांडवी नदी के किनारे है, और ये इसका जो पर्व है ये है मांडी मांडी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये प्रारंभ किया गया था 1961, यानी 1961, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो नाटो का मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है NATO यानी नाटो का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? नाटो का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? ये मिला था हमारा मदर टेरेसा जी को। पहला मिला था मदर टेरेसा जी को, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लावणी और तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य है दोस्तों? लावणी और तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य की, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य है लावणी और तमाशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? यूनिसेफ का मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर पता है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, किस राज्य की राजभाषा मलयालम है दोस्तों? किस राज्य की राजभाषा मलयालम है दोस्तों? तो ये है हमारी केरल राज्य की राजभाषा क्या है? मलयालम है दोस्तों। उड़ीसा का दोस्तों उड़ीसी है, और जम्मू कश्मीर की दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजभाषा है डोंगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केरल का कौन सा जिला पूर्ण साक्षर जिला है दोस्तों? केरल का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी लोग लगभग पढ़े लिखे हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके पहले हमने बताया दोस्तों केरल की भाषा दोस्तों मलयालम केरल की भाषा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की एक तिहाई जगह को भरने के लिए कितने वर्षों के लिए चुनाव होता है दोस्तों? कितने वर्षों के लिए चुनाव होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा 2 वर्षों के लिए चुनाव होता है दोस्तों। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? ये करता है हमारा लोकसभा स्पीकर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे इस समय वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? ये है हमारा वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी किस राज्य में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी है तमिलनाडु राज्य में दोस्तों।
कौन सा होगा दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में होगा। संविधान के संशोधन में किसका अधिकार है दोस्तों? संविधान के संशोधन में अधिकार है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये हमारी 6000 मीटर। दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रमा से पूरे विश्व में मात्र चीन की दीवार ही दिखाई देती है। जो चंद्रमा पे जो हमारे जाते हैं लोग, वहाँ से सिर्फ चीन की दीवार ही दिखाई देती है दोस्तों। तो चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6000 मीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है दोस्तों? तो ये तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जब किसी भी क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है दोस्तों तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वैसे भी ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है दोस्तों, ये IMP लगा दीजिए दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नागेंद्र सिंह। कौन सा दोस्तों? नागेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आगे बनाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था दोस्तों? बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था दोस्तों? दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों? तो बांग्लादेश का सृजन हुआ था दोस्तों 1971, यानी 1971 ईस्वी में। तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी दोस्तों? 1971, यानी 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 में दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों, तो 1971 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 जनवरी को दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों, 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कचारी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? कचारी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है हमारी असम राज्य में पाई जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने 6 वीडियो पोस्ट कर रखी है, जो रेलवे NTPC ग्रुप डी जेल वार्डन फायरमैन और लेखपाल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हट जाइए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं दोस्तों EM फोस्टर। कौन है दोस्तों? EM फोस्टर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, EM फोस्टर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कामरूप नाम से किस राज्य को जाना जाता है दोस्तों? कामरूप नाम से किस राज्य को जाना जाता है दोस्तों? ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा दोस्तों, कामरूप नाम से किस राज्य को जाना जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को शेयर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं दोस्तों, तो हमें मोटिवेशनल मिलता रहता है, जिससे हम दोस्तों और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।